इन दोस्तों फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है कि CISFSI का और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आप लोग देख सकते हैं भर्ती आ चुका है, जो कि 540 पोस्टों पर निकल के आई है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और पीछे से थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ काम चल रहा है तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करें इसका अप्लाई का, तो 26 तारीख नौवा महीना यानी आज के ही डेट से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है, और इसको अप्लाई का लास्ट डेट है 25/10 महीना, मतलब अगले महीने में 25 तारीख तक आप लोगों को लास्ट अप्लाई का देते हैं, जिसमें जनरल EWS OBC का फी लगेगा वो 100 रुपया है, और SC ST का जो फी है वो 0 रुपया है, और फीमेल कैंडिडेट का फी 0 रुपया। और इसके बाद बात करें कि इसका जो एज का है, इसमें एज आप लोगों को 18 साल से 25 साल के लड़के इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को SI यानी सब इंस्पेक्टर में आप लोगों को 122 पोस्ट है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों को 418 पोस्ट है। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं 10+2 का है, आर्ट्स साइंस कोई भी आप लोगों को रहेगा चलेगा, और इसमें आप लोगों को इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग मांगा गया है जो कि 35 की स्पीड में है, और हिंदी में आप टाइपिंग करिएगा तो 30 की स्पीड में करना पड़ेगा। और इसके हाइट की बात करें तो हाइट 165 सेंटीमीटर है, और फीमेल का 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट का बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर आप लोगों को चेस्ट चाहिए। और इसके बाद बात करें हम लोग इसमें आप लोगों को सब इंस्पेक्टर में 57 सीट है, जनरल का 31 सीट है, OBC का और EWS का 10 सीट, और 16 सीट SC का, और ST का 8 सीट। और इसमें हम बात करें हेड मिनिस्ट्रियल में, तो मिनिस्ट्रियल में 182 पोस्ट है, जनरल का 112 पोस्ट है, OBC का 34 पोस्ट, EWS SC का 61 और ST का 29। इसी तरह से आप लोगों को इसमें आप लोगों को जो बताया गया है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं 3 मंथ से पहले का फ़ोटो नहीं रहना चाहिए, और इसमें आप लोग देख सकते हैं CISF लेटेस्ट 10+2 लेवल 2022, जिसमें आप लोगों को 10+2 रहना ज़रूरी है, और इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और आप लोग अप्लाई का डेट है इसमें आप लोग देख सकते हैं 25 तारीख 10वां महीना तक आप लोग आराम से अप्लाई कीजिए। इसमें आप लोगों को कोई भी और जानकारी चाहिए भर्ती से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को भर्ती देखने वाले हैं कैंडिडेट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर छोटी बड़ी सारी अपडेट अपलोड होती रहती है। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।